मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। ग्राउंडनट है, उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है। सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है। देश का किसान, धरती पुत्र यानी अन्नदाता मोदी सरकार से खुश नहीं है। वजह आप सब जानते हैं, 3 कृषि कानून के बाद में किसान मोदी सरकार से लगातार नाराज था। कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने वापस ले लिया, किसानों की नाराजगी दूर करना अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पार भी करना मोदी सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार किसानों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है और मोदी सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद किसान खुश होगा। और वो क्या फैसला है वो भी आपको बताएंगे। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लगातार किसान मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उसे MSP नहीं मिल रही है, लेकिन अब आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के MSP को बढ़ाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि ये फसलों का जो MSP है वो रिकॉर्ड बढ़ोतरी उसमें मानी जा रही है, जिसमें मूंग दाल पर सबसे ज़्यादा 10% से ज़्यादा MSP बढ़ाई है। और कौन कौन सी फसलों पर MSP बढ़ाई गई है, कितना बढ़ोतरी हुई है, ये सब आपको बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ओवरऑल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है खरीफ का, वो 285 मिलियन टन यानी 2,850 लाख टन जो 18-19 में था, वो बढ़ के इस वर्ष का अनुमान है कि 330 मिलियन टन, 3,300 लाख टन तक जाएगा, यानी 450 लाख टन की वृद्धि इस मात्र 4 वर्षों में। शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ा हो, खासतौर पे कोविड के बाद या यूक्रेन के युद्ध, इस सब के बीच में फर्टिलाइजर के शॉर्टेजेस, ट्रांसपोर्ट फ्रेट की समस्या, इस सबको जब हम देखते हैं ऐसे विपरीत परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा की भी चिंता की गई और हमारे किसानों की विशेष रूप से चिंता की गई, वो वास्तव में सराहनीय है। और अभी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है, वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर MSP निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि, 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए MSP को सुनिश्चित किया गया। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की MSP रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है, 8,635 रुपए उसका MSP तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की MSP में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2,183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए प्रति क्विंटल की नए निर्धारित MSP को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन,
निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे।